क्योंकि दूसरे कंट्रीज में जो वर्क होता है वो सिंपली ऑटोमेटिक होता है, मतलब कि अगर आपको वीजा मिल गया है आप जाते ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को एक बार फिर माही व्लॉग पे खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो स्पेनिश स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने का सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्पेन इज़ अ गुड कंट्री फॉर स्टूडेंट वीज़ा और नॉट। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को ये डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी कि आप लोगों को स्पेन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देंगे और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर लेंगे। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो आप लोग इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पेज पे जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से कर सकूं और आप लोगों की जितनी हेल्प मुझसे हो सके वो मैं कर सकूं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्पेन में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वर्क अलाउडेड है या नहीं। तो इस बात का मुझे भी पहले नहीं पता था, मेरे ख्याल में यही था कि वर्क अलाउडेड है। तो मैं स्पेन आ गया अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि जब गूगल के ऊपर सर्च करता था तो लिखा हुआ आता था कि 20 आवर्स पर वीक वर्क अलाउडेड है। मगर जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई किए, तो लोगों से बातचीत करना शुरू की काम के लिए, तो तब जाके अंदाज़ा हुआ कि स्पेन में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर वर्क अलाउडेड नहीं है। ऑफिशियली वर्क अलाउडेड है 20 आवर्स का, मगर वो आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में जो वर्क होता है वो सिंपली ऑटोमेटिक होता है, मतलब कि अगर आपको वीज़ा मिल गया है आप जाते ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर स्पेन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बकायदा 20 आवर्स वर्क अलाउडेड है, मगर उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है और मोस्टली केसेस में आपको वो वर्क परमिट नहीं मिलता। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस बात को। तो जो 20 आवर्स स्पेन के अंदर वर्क अलाउडेड है वो ऑटोमेटिक नहीं है। आप यहाँ पे आते हैं, अपना कार्ड अप्लाई करते हैं, और आजकल ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों को अभी तक कार्ड मिला है उसके ऊपर लिखा हुआ है नो ट्राबाखो, मतलब कि वर्क अलाउडेड नहीं है। तो उस चीज़ को आप लोगों ने एक्टिव करवाना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो स्पेन की मिनिस्ट्री है वो आप लोगों को इजाज़त देती है कि आप काम कर सकते हैं, मगर उसके पीछे भी काफ़ी तगोदो करनी पड़ती है। उसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कोई वर्क कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ता है। वर्क कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने के लिए, और वो वर्क जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, मतलब कि आप किसी भी कैफ़े के ऊपर काम नहीं कर सकते, किसी भी होटल के ऊपर, किसी भी जगह पे आप ऐसे ही जाके काम नहीं कर सकते। जो आपको इजाज़त देते हैं वो आपके जो एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड इजाज़त देते हैं, और वो भी जस्ट ओनली उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ ही काम कर सकते हैं जिसके साथ आपको वो इजाज़त मिलती है। तो उसको लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा तगोदो करनी पड़ती है, आपको सबसे पहले मिनिस्ट्री से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं और फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो मोस्टली केसेस में ये इजाज़त नहीं मिलती, क्योंकि काफ़ी लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा है कि उनको इजाज़त नहीं मिली। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है स्पेन का। और जो लोग मीडियोकर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, जो बेचारे बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं, फीसेस वगैरह पे करते हैं और स्पेन आ जाते हैं, तो उनको यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों ने अब सोचना है कि स्पेन आना है या नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे वर्क अलाउडेड नहीं है, ऑटोमेटिक वर्क अलाउड नहीं है, आपको काफ़ी तगोदो करनी पड़ती है। और सबसे पहली बात कि आप लोगों को लैंग्वेज बैरियर होता है, आपको आती ही जॉब नहीं मिलती। तो अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं किसी अच्छी फैमिली से जो आप लोगों के मतलब के खर्चे या एक्सपेंसेस वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप लाजमी स्पेन आइए। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको लगता है कि जस्ट ओनली वो वीज़ा लेने तक ही अफोर्ड कर सकते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे जाएंगे, काम कर लेंगे और उनको आसानी से वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर लेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। इन माय केस अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तो पाकिस्तान में भी मैं अपने एक्सपेंसेस मैनेज करता था और यहाँ पे भी आने के बाद मैं उसी तरह से अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहा हूँ। मगर ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अजीब बात थी कि जब मैंने इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ा कि स्पेन के अंदर वर्क अलाउडेड नहीं है, इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इजाज़तें लेनी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, और फिर जाके अगर आपको काम की इजाज़त मिलती है तो वो भी सिर्फ आप एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर सकते हैं, वो भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होगा, और वो भी डिपेंड करता है कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी इजाज़त देती है या नहीं देती। क्योंकि मोस्टली आजकल जो कोविड के हालात हैं स्पेन के अंदर, तो उसकी वजह से ये है कि यहाँ पे शॉप्स वगैरह जल्दी ऑफ हो जाती हैं, तो सिस्टम काफ़ी स्लो डाउन जा रहा है और इजाज़त मिलने में भी आपको 6 मंथ लग सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को स्पेन रिकमेंड नहीं करूंगा स्टूडेंट वीज़े के ऊपर। हाँ, अगर आप अच्छी खाती पीती फैमिली से हैं, अगर आप यहाँ पे आके अपना मतलब के मैनेज कर सकते हैं सब कुछ, तो आप स्पेन आइए, यहाँ पे आपको पीआर लेने में आसानी होगी और बाकी एक्सपेंसेस वगैरह निकालने यहाँ पे इम्पॉसिबल हैं ऑन स्टूडेंट वीज़ा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने अपने माइंड में लाजमी रखनी है जब आपने स्पेन का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है।
अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आ जाएं, यहाँ पे आएं, लाइफ इंजॉय करें, यूरोप की लाइफ इंजॉय करें। मगर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फिर यहाँ पे लाइफ भी इंजॉय नहीं कर सकते, आपको काफ़ी डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट करेगा, और जो कि किस तरह हमने काम के लिए अप्लाई करना है इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, ताकि आप लोगों को बता सकूं कि अगर आप लोगों में से किसी को काम मिलता भी है अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, कोई टीचिंग जॉब मिल जाती है किसी स्कूल में या किसी एकेडमी के अंदर, तो या आपको कोई रिसर्च के अंदर, कोई फील्ड के अंदर, कोई आपको प्रोफेसर या कोई कंपनी आपको रख लेती है, तो उसको आपने किस तरह मैनेज करना है, आपने किस तरह वर्क कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करना है, और किस तरह आप यहाँ पे जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।